नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, आज का किस्सा है हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का। फिल्म की शूटिंग चल रही थी और बीच शूटिंग में ही धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को प्रपोज कर दिया। हम बात सीता और गीता की कर रहे हैं। फिल्म सीता और गीता की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का प्यार परवान चढ़ा। धर्मेंद्र चूंकि शादीशुदा थे, उनके बच्चे थे, लेकिन बावजूद इसके दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। दोनों ने सीता और गीता के बाद भी कई फिल्मों में साथ काम किया और इसी दौरान एक शॉट के बीच में ही धर्मेंद्र ने अचानक हेमा मालिनी को प्रपोज कर दिया। इनके प्यार के चर्चे हेमा के पिता VSR चक्रवर्ती को बेहद परेशान कर रहे थे। उस वक्त की एक खबर की माने तो इस रिश्ते को तोड़ने के लिए हेमा का परिवार उन पर बेहद दबाव डाल रहा था, लेकिन हेमा के लिए धर्मेंद्र से दूर रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो गया था। फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र ने कैमरामैन से एक सीन को बार बार शूट करने को कहा। धर्मेंद्र इस सीन को बार बार शूट करवाना चाहते थे ताकि वो हेमा के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता सकें। दीवानगी का ये आलम था। हेमा मालिनी उस दौर में न सिर्फ आम लड़कों की ड्रीम गर्ल बल्कि बड़े बड़े हीरोज की ड्रीम गर्ल थी। संजीव कुमार का दिल भी उन पर आ गया था। संजीव कुमार ने अपने खास दोस्त जितेंद्र के साथ हेमा को शादी का प्रपोजल भेजा, लेकिन हेमा की मां ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। हेमा ने संजीव कुमार के साथ शादी से इनकार कर दिया तो खुद संजीव कुमार के खास दोस्त जितेंद्र ने मौका देखकर अपने मन की बात हेमा के सामने खोल दी। हेमा मालिनी की जीवनी हेमा मालिनी द ऑथराइज्ड बायोग्राफी के मुताबिक 1974 में बेंगलोर में फिल्म दुल्हन की शूटिंग के दौरान जितेंद्र और हेमा मालिनी ने साथ में काफ़ी वक्त गुजारा और जैसे ही फिल्म की शूटिंग खत्म होने का वक्त नज़दीक आया, जितेंद्र बिना देर किए अपने माता पिता को लेकर चेन्नई पहुंच गए जहां हेमा मालिनी का एक बंगला था। वो शायद चाहते थे कि शादी की बातचीत मुंबई से दूर चेन्नई में हो। उन्होंने हेमा मालिनी से कहा कि वो भी अपने माता पिता को चेन्नई बुला लें ताकि दोनों परिवार शादी की बात कर सकें। जितेंद्र हेमा से शादी करने की बहुत जल्दी में थे और उन्होंने हेमा से कहा कि वो फौरन उनके साथ तिरुपति चलें और शादी कर लें। हेमा सोच रही थी कि तभी फिर से फोन की घंटी बजी, लेकिन इस बार फोन पर धर्मेंद्र नहीं थे बल्कि थी लंबे समय से जितेंद्र की गर्लफ्रेंड रही एयर होस्टेस शोभा सिप्पी। शोभा को भी चेन्नई में चल रहे इस पूरे ड्रामे की खबर लग चुकी थी और उन्होंने भी जितेंद्र को अपने प्यार का वास्ता देकर समझाया कि वो जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं। खबरें तो यहां तक छपी कि अगली फ्लाइट से धर्मेंद्र चेन्नई पहुंच गए और हेमा को जितेंद्र के साथ रिश्ता तोड़ने के लिए मना लिया। साल 1978 में हेमा मालिनी के पिता की अचानक मौत हो गई। हेमा मालिनी उनके बेहद करीब थी और उनकी मौत के बाद वो बेहद अकेली हो गई। ऐसे वक्त में धर्मेंद्र ने उनकी हिम्मत बढ़ाई, उनका साथ दिया। बस फिर क्या था, हेमा ने धर्मेंद्र से शादी करने का फैसला कर लिया। कानून के मुताबिक धर्मेंद्र पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते थे, लेकिन इस्लाम कबूल करके उन्होंने दूसरी शादी की। 21 अगस्त 1989 को इस्लाम धर्म कबूल करते हुए धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने निकाह कर लिया। निकाहनामे के मुताबिक धर्मेंद्र का नया नाम था दिलावर खान और हेमा का नाम था आयशा बी। उस समय दोनों ने अपने निकाह की बात छिपाई, लेकिन जब ये खबर सामने आई तो हंगामा हो गया। उस दौर में भी इसे लेकर काफी विवाद हुआ, लेकिन धर्मेंद्र और हेमा ने इस विवाद का असर अपने रिश्ते पर नहीं पड़ने दिया और इस निकाह के कुछ महीने बाद 2 मई 1980 को हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक भी शादी कर ली और आज दोनों खुश हैं। धर्मेंद्र अपने फार्म हाउस पर रहते हैं और हेमा मालिनी तो राजनीति में एक्टिव हैं ही। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।